असदुद्दीन ओवैसी आज उत्तर प्रदेश में है, लेकिन इससे पहले ओवैसी हिजाब पर ट्वीट करके सियासत गरमा चुके हैं। ओवैसी ने हैदराबाद की जनसभा का वीडियो ट्वीट किया है, जिसमें ओवैसी बोल रहे हैं कि एक दिन एक हिजाबी प्रधानमंत्री बनेगी। बीजेपी ने पलटवार किया है कि ओवैसी किसी मुगालते में ना रहे, बीजेपी की सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को सम्मान दिलाया है। तो वार पलटवार ओवैसी और बीजेपी के बीच हिजाब को लेकर। और हम अपनी बेटियों को इंशाअल्लाह ताला अगर वो ये फैसला करती है कि अब्बा अम्मी मैं हिजाब पहनूंगी, तो अब्बा अम्मी पहने बोलेंगे बेटा पहन, तुझे कौन रोकता है देखेंगे इंशाअल्लाह। हिजाब निकाब पहनेंगे, कॉलेज को जाएंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, कलेक्टर भी बनेंगे, एसडीएम भी बनेंगे, बिजनेसमैन भी बनेंगे। और एक दिन याद रखना तुम कांड की जनता, शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तुम देखना एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बनेगा। असदुद्दीन ओवैसी का ये मुगालता ही रहेगा। वो जहां एक तरफ मुस्लिम महिलाओं को लगातार पर्दे में रखना चाहते हैं, ये उनकी दकियानूसी, संकीर्ण और कट्टरपंथी सोच है, लेकिन अब मुस्लिम लड़कियां और महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, स्वावलंबी हो रही हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार ने आज 3 तलाक से उन्मूलन देने का काम किया है, हज पर बिना महरम के जाने की छूट देने का काम किया है। इसलिए अब असदुद्दीन ओवैसी की इन बातों में अब मुस्लिम महिलाएं फंसने वाली नहीं है। ये कितने भी कट्टरपंथी मौलानाओं के कठमुल्लों के दबाव में इस तरह की बयानबाजी करके लोगों को भड़काने की कोशिश करते रहे, लेकिन अब इस तरह का कोई ध्रुवीकरण मजहबी आधार पर नहीं होगा। अब देश विकास के मुद्दे पर बात करेगा और विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़े जाएंगे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।